दस का धमकी। दोस्तों ये एक एक्शन कॉमेडी ड्रामा मूवी होने वाली है जो कि लगभग 2.5 घंटे की है। क्या कुछ खास चीजें हैं मूवी के अंदर, चलिए शुरू करते हैं। और दोस्तों मैं मूवी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर, एक बार फिर से स्वागत है आपका इंडियन मूवी रेट में। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं बात कर लेता हूँ मूवी की कहानी की। मूवी की कहानी फोकस करती है एक कृष्णा दास नाम के कैरेक्टर पर, जो कि एक होटल में वेटर होता है और उसे एक बहुत हाई क्लास लड़की से प्यार हो जाता है। और बाद में फिर उस लड़की को भी लगता है कि भाई ये बंदा जो है ये बहुत ज्यादा अमीर है, यानी कि बहुत ज्यादा रिच है। उसको भी ऐसा ही लगने लगता है और उस लड़की को उस लड़के से प्यार हो जाता है। फिर आगे क्या क्या होता है दोस्तों मूवी के अंदर, वो आपको मूवी देखने के बाद पता चलेगा। लेकिन दोस्तों मूवी के अंदर कई सारे आपको ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलेंगे। जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ेगी आपको ट्विस्ट एंड टर्न्स मिलते रहेंगे। दोस्तों मूवी जैसे ही स्टार्ट होती है मुझे लगा था कि भाई ये मूवी बहुत ही ज्यादा एंटरटेनिंग होने वाली है, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं होता। यानी कि जब मूवी स्टार्ट होती है, इस मूवी के अंदर जो लव एंगल दिखाया गया है वो हम ऑलरेडी बहुत सी फिल्मों में देख चुके हैं। और उसके बाद में जिस तरीके का ट्विस्ट आता है बीमारी के इलाज को लेकर के, वो भी हम उस तरह की चीजें बहुत सी फिल्मों में देख चुके हैं। हाँ ये है कि इस मूवी के अंदर कुछ नया कंसेप्ट लाने की कोशिश की है, लेकिन उतना ज्यादा जोरदार साबित नहीं हुआ है। दोस्तों मूवी का फर्स्ट हाफ ऐसा है, आपको जबरदस्ती की कॉमेडी मिलेगी और जबरदस्ती की चीजें ऐसी दिखाई जाएंगी जिससे कि आप बोर होने लगोगे। यानी कि पूरी मूवी के अंदर आपको कुछ कुछ जगह ऐसी मिलेंगी जहां पर आप सच में ही बहुत ज्यादा बोर फील करोगे। और मूवी जैसे ही अपने सेकंड हाफ में आती है, वहां पे आपको ट्विस्ट पे ट्विस्ट, ट्विस्ट पे ट्विस्ट देखने को मिलेंगे। और एक बार तो आप ऐसा सोचने लगोगे कि भाई बस करो यार, अब इतने ट्विस्ट नहीं देखने। यानी कि आपका मन ऐसा करेगा कि भाई मूवी ना देखूं, क्योंकि ये मूवी आपको उतना ज्यादा एंटरटेन नहीं कर पाएगी। हाँ ये है कि मूवी का जब क्लाइमेक्स आता है तो आपको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट जरूर आएगा, क्योंकि उसमें कुछ ऐसी चीजें दिखाई गई हैं उसमें आपका इंटरेस्ट थोड़ा सा बढ़ने लगेगा। बाकी दोस्तों इस मूवी के अंदर कुछ भी इतना ज्यादा खास आपको देखने को नहीं मिलेगा। वही सब लव वाला एंगल और बिजनेस स्ट्रेटेजी और बीमारी को लेकर के जिस तरीके से चीजें दिखाई गई है, वो हम ऑलरेडी बहुत सी फिल्मों में ऐसी चीजें देख चुके हैं। बाकी इस मूवी के अंदर कुछ भी ऐसा नया देखने को आपको बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला। अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस कुछ ज्यादा है इस मूवी से तो आपको बिल्कुल भी मजा नहीं आने वाला। बाकी ये है कि विश्वक सेन ने काफी अच्छी एक्टिंग की है, लोगों को काफी अच्छा एंटरटेन करने की कोशिश करी है इस मूवी के जरिए, लेकिन उस हद तक एंटरटेन नहीं कर पाते। और रही बात मूवी के स्क्रीन प्ले की, स्क्रीन प्ले भी इतना ज्यादा मुझे एंगेजिंग नहीं लगा, क्योंकि कुछ कुछ जगह पर मैं बहुत ज्यादा बोर फील कर रहा था। और मूवी का म्यूजिक और बीजीएम सुन के आपको अच्छा लगेगा। स्क्रिप्ट उतनी ज्यादा कमाल की नहीं है इस मूवी की जितनी ज्यादा मैंने सोचा था। बाकी लास्ट में आपको कुछ ऐसा सीन दिखाया जाएगा जिससे ये पता चलता है कि इस मूवी का सेकेंड पार्ट भी आएगा। लेकिन दोस्तों अगर विश्वक सेन इस तरीके से ही चीज़ें करते रहे सेकंड पार्ट में भी, तो मुझे नहीं लगता कि वो पार्ट भी इतना ज़्यादा कमाल का होने वाला है और मैं उस मूवी को देखूंगा। वेल दोस्तों कुछ भी है, ये मूवी ठीक ठाक है, आप एक बार इस मूवी को देख सकते हो, आपका टाइम पास अच्छे से हो जाएगा। मैं इस मूवी को रेटिंग करूंगा 4.5 out of 10। तो दोस्तों आप जब भी मूवी देख लोगे मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको ये मूवी कैसी लगी और आपको मूवी का कौन सा सीन सबसे ज्यादा एंगेजिंग लगा। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।